हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति शिक्षण संस्थान में। आज की जो अपनी जो क्लास है वो आपकी रीट के लिए इकोनॉमी का जो पार्ट है उसमें चौथी क्लास रहने वाली है। और इसमें आज के अपने टॉपिक में बारे में बात करेंगे अपन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ में आपके जो अन्य और जो पार्ट जो बचा हुआ है बैंकिंग प्रक्रिया का उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। उन सभी पॉइंटों के बारे में क्या करें अपन यहाँ पे बिंदुवार क्या करने वाले हैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का अपना जो सेशन है उसके अंदर बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, रीजनल रूरल बैंक RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, आपने देखा भी होगा, आपके गांव गली मोहल्ले के अंदर आपने देखा भी होगा कि ग्रामीण बैंक होते क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। पहली बात तो देखिए इसके अंदर ध्यान रखना आप यहाँ पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि गाँवों के अंदर आधारभूत जो संरचना है उसका डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे क्या हो गाँवों के अंदर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। यदि गाँवों के अंदर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो गाँवों के अंदर जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनकी जो छोटी छोटी जो जमा बचते होती हैं, जो उनके पास में छोटी छोटी जो पूंजी होती है उसका क्या कर सकते हैं, वो सही तरीके से उसका काम में ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं वहाँ पे उसके बारे में वो उसको जमा करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात, अब इसमें देखिए सबसे पहले इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की जाती है, तो ध्यान रखना 1975 के अंदर क्या होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इसकी शुरुआत की जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब होती है, 1975 में की जाती है। और 1975 में तिथि कौन सी होती है आपके यहाँ पे, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत की जाती है। कब, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आपके यहाँ पे इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है। तो पहली बात तो आपकी क्लियर हो गई, इसकी शुरुआत स्थापना कब होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। जब इसकी स्थापना की जाती है तो प्रारंभ में क्या होता है, पांच स्थानों पे क्या किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शुरू किया जाता है एज ए पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे, मान लीजिए, या फिर मान के चलिए कि इसका स्टार्टिंग जो बेस होता है उसके लिए क्या होता है, इसको शुरुआत में 5 स्थानों पर क्या की जाती है, इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है। तो आपको जो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा आपकी एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो यही रहने वाला है कि शुरुआत में जो 5 स्थान होते हैं वो स्थान कौन कौन से होते हैं, जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो 5 स्थान कौन कौन से हैं जो आपकी ठीक है। तो 5 स्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में ध्यान रखना आपको यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी मेन जो बात है इसके अंदर कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कौन सी कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के बारे में बात की जाती है, तो आपको कमेटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कमेटी कौन सी थी आपके यहाँ पे, एम नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर एक पॉइंट आपको ये याद होगा, सिफारिश के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है। एम नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का काम किया जाता है। स्थापना कब होती है, 2 अक्टूबर 1975 को होती है। प्रारंभ में कितने स्थानों पर होती है, 5 स्थानों पर इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। वो स्थान कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, एक होता है आपका जयपुर होता है, ठीक है। कहाँ पे की जाती है इसकी, राजस्थान में कौन से स्थान पर की जाती है इसकी स्थापना, जयपुर में की जाती है इसकी स्थापना। इसके अलावा कौन सा होता है आपका, मुरादाबाद और गोरखपुर, दोनों स्थान कहाँ हैं आपके यहाँ पे, जयपुर, और इसके अलावा मुरादाबाद और गोरखपुर कहाँ गए आपके यहाँ पे, जयपुर हो गया आपका, मुरादाबाद, और साथ में कौन सा आ गया आपका यहाँ पे, गोरखपुर, ठीक है। ये दोनों स्थान कहाँ गए आपके यहाँ पे, यूपी में आ गए, मुरादाबाद और क्या आ गए, गोरखपुर का आ गए यूपी में। एक कौन सा होता आपका, भिवानी कहाँ गया आपका, हरियाणा में आ गया, भिवानी कहाँ में, हरियाणा में। और कौन सा आ गया, मालदा, एक कौन सा आ गया आपका, मालदा कहाँ गया आपका यहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में आ गया, मालदा कहाँ पे आ गया आपका, पश्चिमी बंगाल में आ गया। इन स्थानों पे क्या की जाती है, प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। कमेटी कौन सी आपके यहाँ पे, एम नरसिम्हन कमेटी। स्थापना वर्ष कौन सा आपके यहाँ पे, 2 अक्टूबर 1975 को। जगह कौन कौन सी आपके यहाँ पे, जयपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी और कौन सा जगह आपके यहाँ पे, मालदा। इन स्थानों पर क्या की जाती है आपके यहाँ पे, इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है, ठीक है।
इन स्थानों पे क्या की जाती है, आपके यहाँ पे इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे बात ये तो देखिए बात होगी इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कहाँ पे की जाती है, यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का उद्देश्य या इसकी अवधारणा कहाँ पे लाई गई थी, तब मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्थापित करने के बारे में बात हुई थी। विश्व में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा बांग्लादेश से ली गई थी। ठीक, कहां से ली गई थी? बांग्लादेश से ली गई थी, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे पहले कहां पे आई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने की अवधारणा, ये इसकी अवधारणा कहां से ली गई थी? बांग्लादेश से क्या ली गई थी, इसकी अवधारणा लेने का काम लिया गया था, ठीक है, ये तो बात होगी। अब भारत में जब इसको स्थापित करने के लिए क्या किए थे, दो आपके आर्टिकल्स पेश किए गए थे, एक कौन सा लाया गया था 1976 में लाया गया था, और एक आर्टिकल कौन सा था आपका यहाँ पे 1949 का आर्टिकल था, ठीक है। 1976 में कौन सा लाया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रेगुलेशन अधिनियम लाया गया था, जो किसके द्वारा लाया गया था आपके यहाँ पे, RBI के द्वारा लाया गया था, ठीक है। एक क्या लाया था आपका, RRB रेगुलेशन एक्ट 1976, RRB रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, संचालित करना, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट 1976। और दूसरा कौन सा आपका आ गया, बैंकिंग अधिनियम कौन सा 1949। इन दोनों अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है आपके, इन दोनों एक्टों के माध्यम से क्या किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचालित करने का काम किया जाता है। कौन से हो गए आपके, दोनों एक्ट हो गए, इन्हीं दोनों एक्टों के माध्यम से क्या होता है, इनको संचालित करने का काम किया जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के आधार पे 2 अक्टूबर 1975 को क्या होती है आपके यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का काम किया जाता है आपके, ठीक है। वो कौन कौन से स्थान थे उसके बारे में अपने बात कर ली। अब इसमें मुद्दा ये आता है, यदि आपने कभी देखा होगा कि कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है तो उसमें क्या होता है आपके यहाँ एक शेयर होल्डिंग होती है, किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या होती है आपकी वहाँ पे एक शेयर होल्डिंग आपको दिखाई देती है, शेयर होल्डिंग होती है। अब शेयर होल्डिंग किस किस की होती है उसके बारे में देखिए, एक स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है। अब स्पॉन्सर बैंक होता है वो किस क्यों आता है, यदि आपने बात की 2010 के अंदर बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किसमें किया गया था आपके यहाँ पे, ICICI बैंक में जो किया गया था, तो बैंक ऑफ राजस्थान की जितनी भी जो ब्रांचेस थी वो किसके नाम से जानी जाती थी आपके यहाँ पे, ICICI बैंक के नाम से हो गई थी आपके यहाँ पे। इसी प्रकार से जितने भी राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, राजस्थान में जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनकी जो स्पॉन्सर बैंक कौन सा जाए, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा क्या, उसका आपके यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया आपके यहाँ पे, स्पॉन्सर जो बैंक जो बनाए गए हैं, जो शेयर होल्डिंग है वो इनकी यहाँ पे क्या की है, निर्धारित की गई है, ठीक है। तो इसका मुद्दा क्या आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, ठीक है, कि इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग थी वो किस किस प्रकार से क्या किया आपके यहाँ पे निर्धारित करने का काम किया गया है। तो इसमें देखिए आपके यहाँ पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर होल्डिंग के बारे में बात की जाए, इसके आपके यहाँ पे शेयर होल्डिंग के बारे में बात की जाए, शेयर होल्डिंग ठीक है, क्या जगह शेयर होल्डिंग में 50% किसकी होती है आपके यहाँ पे, केंद्र सरकार की होती है 50% किसकी, केंद्र सरकार की। 35% किसकी आ जाएगी आपके यहाँ पे, राज्य सरकार की। और 15% किसकी होगी आपके यहाँ पे, जो आपका स्पॉन्सर जो बैंक होता है, स्पॉन्सर जो बैंक आता है उसके आ गई। इन इस प्रकार से क्या होती है, इन तीनों की मिलाई क्या की जाती है आपके यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का काम किया जाता है आपका। 50% किसकी, केंद्र सरकार की, 35% किसकी, राज्य सरकार की, और 15% के लिए क्या होता है, किसी भी एक बैंक को क्या बनाया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आपका वहाँ पे स्पॉन्सर बैंक बनाया जाता है, ठीक है। यह बात होगी आपके यहाँ पे, परंतु क्या होता है 2015 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके यहाँ पे परिवर्तन करने काम किया जाता है। 2015 में क्या होता है, 2015 में इसमें परिवर्तन किया जाता है, 2015 में इसमें परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अब परिवर्तन होता किस प्रकार से वो देखिए आप यहाँ पे,
ठीक है, परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किस प्रकार से होता है आपके यहाँ पे, ये जो आपका दिया गया है 50% जितना केंद्र सरकार राज्य सरकार और क्या आपका यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक होगा, केंद्र सरकार हो गई आपके यहाँ पे, राज्य सरकार हो गई आपके यहाँ पे, केंद्र सरकार हो गई आपके यहाँ पे, राज्य सरकार हो गई, और कौन सा आ गया आपके यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक आ गया, ठीक है, केंद्र सरकार होगी आपके यहाँ पे, राज्य सरकार होगी, और कौन सा आगे आपके यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक आ गया। इन तीनों की मिला के कितनी की कर दी गई थी आपके यहाँ पे, इन तीनों की मिला के 51% क्या कर दी गई थी आपके यहाँ पे भागीदारी तय कर दी गई थी। मतलब क्या रहेंगे, इन तीनों की हिस्सेदारी कितनी होगी आपके यहाँ पे 51% की हिस्सेदारी होगी, बाकी की जो 49% की जो हिस्सेदारी बचती है वो किसमें कर दी गई थी आपके यहाँ पे, निजी क्षेत्र को दे दी गई थी। मतलब क्या होगा, इनका भी आपके यहाँ पे निजी क्षेत्र को, इनका भी यहाँ पे निजीकरण करने का काम कर दिया गया था। 49% की हिस्सेदारी किसको दे दी गई थी आपके यहाँ पे, जो प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं निजीकरण कर दिया गया था, निजी क्षेत्र को दे दी गई थी, ठीक है। तो 51% पे क्या गए, ये तीनों आ गए आपके यहाँ पे, केंद्र सरकार राज्य सरकार और कौन से हो गए आपके यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक हो गए, और 49% पे क्या होगा आपके यहाँ पे इसका निजीकरण कर दिया गया, मतलब निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट किसी भी बैंकिंग को या प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इसे को दे दिया गया था, को दे दिया गया था, ठीक है। आगे यहां तक की बात समझ में, तो शेयर होल्डिंग के बारे में आ गई, पहले कितनी थी 2015 से पहले कितनी थी 50% केंद्र सरकार की, 35% राज्य सरकार की, 11-15% कौन होते थे आपके यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक होते थे। 2015 में क्या कर दिया इसमें आपके यहाँ पे परिवर्तन कर दिया, केंद्र सरकार राज्य सरकार और क्या बना दी गई आपके यहाँ पे इसके अंदर स्पॉन्सर बैंक, वो स्पॉन्सर बैंक थे, उन तीनों की मिला के 51% कर दी, और बाकी 49% किसके पास कर दी गई थी आपके यहाँ पे, जो भी प्राइवेट जो सेक्टर के जो बैंक होते थे, इसका मान के चलिए 49% हिस्सा सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को या प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बेच दिया गया था, ठीक है। आगे तक की बात समझ में, तो ये तो क्या क्या थी आपके यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में बात होती है, इसके ऊपर कौन कौन से RBI के रूल्स लागू होते हैं या कौन कौन से रूल्स इसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी बैंक हो, कभी भी स्टेब्लिश किया जाए, उसके ऊपर CRR वो SLR तो आपके यहाँ पे लागू होगी ही होगी, CRR व SLR तो लागू होगी ही होगी, लागू होगी ही, ठीक है। CRR वह क्या हो गया आपके यहाँ पे, SLR तो आपके लागू होगी होगी, केस रिजर्व रेशियो और वैधानिक तरलता अनुपात दोनों तो क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे लागू किए ही जाएंगे, ठीक है। इसमें दूसरा बात कौन सी होगी आपके यहाँ पे, CRR और जब SLR लागू हो गई आपके यहाँ पे, तो इसमें क्या जाएगा आपके यहाँ पे, इसके अंदर MSFR जो बैंक रेट और जो MSFR होती है वो लागू आपके यहाँ पे होती नहीं है आपके यहाँ पे, बैंक रेट, बैंक दर व MSFR व MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSFR भी, ठीक है, बैंक रेट व MSFR भी लागू नहीं होती, लागू नहीं होती, ठीक है। आगे तो CRR वो क्या हो गया आपके यहाँ पे, SLR लागू होगी, बैंक रेट वो कौन सी होगी आपके यहाँ पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को भी क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाएगा, जब RRB का विस्तार किया जाएगा तो इसके क्या किए जाएंगे, विभिन्न स्थानों पर इसके ATM कार्ड दिए जाएंगे। जब ATM कार्ड दिए जा रहेंगे तो साथ में क्या जाएंगे आपके यहाँ पे, डेबिट कार्ड भी दिए जाएंगे, डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। जब डेबिट कार्ड दिए जाएंगे तो मतलब क्या होगा, आपके यहाँ पे लोन दे सकते हो, ठीक है। तो लोन किस प्रकार के, आपके यहाँ किसानों को लोन देने का काम कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड आपके द्वारा यहाँ पे जारी नहीं किए जाएंगे, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या होंगे आपके यहाँ पे जारी करने का काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। और लोन की दिया जा सकता है आपके यहाँ पे, ऋण देने का काम करेंगे, ऋण देने का कार्य करेंगे। कितना देंगे आपके यहाँ पे, किसको ऋण देंगे, किसानों को व लघु कुटीर उद्योगों को ऋण देने का काम करेंगे। किसको ऋण देने का काम करेंगे, किसको देंगे, किसानों को व लघु व कुटीर उद्योगों को। उद्योगों को ऋण दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया जाएगा ऋण आपका यहाँ पे,
किसानों को वह लघु कुटीर उद्योगों क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ऋण देने का काम करेंगे, ठीक है। ये सबके साथ हम काम क्या होंगे आपके यहाँ पे इसके ऊपर लागू करने का काम किया जाएगा, CRR व SLR के साथ में यहाँ पे काम करने का काम किया, ठीक है। अब अगली बात आती है बोले साहब इसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ, तो फिर ठीक है आगे क्या होता है, 1987 के अंदर एक केलकर समिति बनाई जाती है। 1987 में कौन सी समिति बनती है आपके यहाँ पे, केलकर समिति, ठीक है। कौन सी समिति बन गई आपके यहाँ पे 1987 में, केलकर समिति बनती है। ठीक है 1987 में कौन सी समिति बनाई जाती है आपके यहाँ पे, केलकर समिति बनाई जाती है। इस समिति द्वारा क्या होता है आपके यहाँ पे, केलकर समिति क्या करती है आपके यहाँ पे, ठीक है। केलकर समिति द्वारा क्या किया जाता है कि जितने भी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं आपके यहाँ पे, इन बैंकों क्या करती है विस्तार के ऊपर रोक लगा देती है एक तरह से मान के चलिए, ठीक है। और इनके आपके यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय की सिफारिश की जाती है। इसके द्वारा क्या कहा जाता है कि केलकर समिति क्या कहती है कि रीजनल रूरल बैंकों RRB को क्या किया जाए, RRB का विलय कर दिया जाए, इसका विलय कर दिया जाए, ठीक है। इसका क्या कर दिया जाए आपके यहाँ पे, विलय कर दिया जाए आपके यहाँ पे, किसका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यहाँ पे विलय करने का काम कर दिया जाए। जब विलय हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है बैंक आपके बचेंगे आपके यहाँ पे, नहीं बचेंगे। इसी कारण से क्या कहा गया है इसको, केलकर समिति को क्लोजिंग कमेटी, एज ए क्लोजिंग कमेटी ऑफ RRB माना गया। इसको क्या माना गया है कि एज ए क्लोजिंग कमेटी, पिछली बार क्वेश्चन पूछा हो भाई ध्यान रखना इसके बारे में, एज ए क्लोजिंग कमेटी ऑफ RRB माना गया इसको आपके यहाँ पे, एज ए क्लोजिंग कमेटी ऑफ RRB, ठीक है। ठीक है क्या जाएगा आपके यहाँ पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बंद करने वाली समिति कौन सी आ जाएगी आपके यहाँ पे, केलकर समिति आ जाएगी, ठीक है। इनका क्या कर दिया जाए आपके यहाँ पे, विलय करने के बारे में बात कर रहा है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया जाए आपके यहाँ पे इनका। जब इनके विलय के बारे में बात होती है तो प्रारंभ में कितने थे आपके यहाँ पे, 196 क्या थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, और जिनकी संख्या घट के कितनी हो गई वर्तमान समय में 43 आपके यहाँ पे बच गए थे, ठीक है। जब प्रारंभ में स्टार्ट किया था तो प्रारंभ में क्षेत्रीय RRB की कुल संख्या, प्रारंभ में RRB की कुल संख्या कितनी थी आपके यहाँ पे, 196 थे। RRB कुल संख्या कितनी थी आपके यहाँ पे, 196 थे, जो कि वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 के अनुसार, भाई ध्यान रखना, एक कल मैंने आपको बताया भी था 1 अप्रैल क्यों ली जाएगी आपके यहाँ पे, एक अप्रैल 2020 को इनकी कुल संख्या, ठीक है, कितनी रहेगी आपके यहाँ पे, 43 रहेगी, ठीक है। पर स्टार्टिंग में जब कितने थे आपके यहाँ पे, 196 थे, और अभी वर्तमान समय में इनकी कुल संख्या कितनी रहेगी आपकी, केवल कितनी रहेगी, 43 क्या रहेगी आपके यहाँ पे इनकी कुल संख्या रहेगी। तो ये कौन से थे आपके यहाँ पे, ठीक है, क्या गए आपके यहाँ पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, उनके बारे में बात होगी कि भाई किस प्रकार से काम कर रहे थे, क्या क्या इनका काम था, किस प्रकार से फंक्शनिंग थी इनकी यहाँ पे, ठीक है। आगे तक क्लियर, ये कौन से हो गए आपके यहाँ पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर आपके यहाँ पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोई भी ऐसा पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है जिसके बारे में आपको नहीं बताया है। जैसा कि मैंने बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्पॉन्सर बैंक है, इस पॉइंट के बारे में ध्यान लेना आप यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी ऐसा पॉइंट आपके यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं आपके यहाँ पे, ये पूरे होते हैं। अगला जो अपना बैंक आता है वो आएगा आपके यहाँ पे होलसेल बैंक। अगला बैंक कौन सा जाएगा आपके यहाँ पे, होलसेल बैंक, क्या जाएंगे आपके यहाँ पे, अगला बैंक कौन सा जाएगा आपके यहाँ पे, होलसेल बैंक, ठीक है, क्या जाएगा आपके यहाँ पे, होलसेल बैंक। अब देखिए होलसेल तो आपने सामान तो खूब सुना होगा, होलसेल की दुकानें भी आपने खूब देखी होगी, इसी कड़ी में कौन सा आगे आपके यहाँ पे, होलसेल बैंक आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में कब शुरुआत होती है, तो अप्रैल 2017 में क्या होती है, RBI के द्वारा इन बैंकों के बारे में चर्चा करने का काम किया जाता है। तो इनकी चर्चा कब होती है आपके यहाँ पे, अप्रैल 2017 से, ठीक है। तो अप्रैल 2017 में क्या होती है आपके यहाँ पे, अप्रैल 2017 में, ठीक है, 17 में RBI के द्वारा क्या की जाती है, RBI के द्वारा होलसेल बैंकिंग की चर्चा की जाती है।
आरबीआई के द्वारा होलसेल बैंक की चर्चा करने का काम किया जाता है, होलसेल बैंक की चर्चा की जाती है। ठीक है, होलसेल बैंक क्या हो गया आपके यहाँ पे, इसकी चर्चा करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा आपके यहाँ पे, अप्रैल 2017 में क्या होता है, आरबीआई के द्वारा होलसेल बैंक की आपके यहाँ पे चर्चा करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य, इसका इसका स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, आधारभूत ढांचे में विकास करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था आपके यहाँ पे होलसेल बैंकिंग का, आधारभूत ढांचे में, आधारभूत ढांचे में विकास करने के लिए, आधारभूत ढांचे में विकास करने के लिए। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपके यहाँ पे, आधारभूत ढांचे में क्या करेगा, इसके द्वारा यहाँ पे डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा। तो अप्रैल 2017 में क्या होती है, इसके द्वारा आपके यहाँ पे चर्चा करने का काम किया जाता है, और आधारभूत ढांचे में क्या होता है, इसका डेवलपमेंट करने का काम किया जाता है। ठीक है, फिर इसके लिए क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। कमेटी कौन सी होती है आपके यहाँ पे, कमेटी होती है नचिकेता मोर कमेटी। कमेटी कौन सी होती है आपके यहाँ पे, नचिकेता मोर कमेटी। ठीक है, नचिकेता मोर कमेटी। ठीक है, इसके लिए क्या होती है आपके यहाँ पे, कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी का नाम कौन सा होता है आपके यहाँ पे, नचिकेता मोर कमेटी आपके यहाँ पे इसके लिए गठित करने का काम किया जाता है। फिर नचिकेता मोर कमेटी क्या करती है, अपने यहाँ पे सिफारिश देती है, उसकी सिफारिश के आधार पे क्या की जाएगी आपके यहाँ पे, होलसेल बैंकिंग की स्थापना की जाएगी। अब होलसेल बैंकिंग की मान के चलिए इसकी स्थापना कर दी, इसकी यहाँ पे स्थापना करने के बाद में इसके अंदर कौन कौन से इसके फीचर्स रखे गए थे आपके यहाँ पे, तो इसमें ध्यान रखिए आपके यहाँ पे इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे, कि होलसेल बैंकिंग में इसमें केवल होलसेल बैंकिंग में होलसेल बैंकिंग में ठीक है होलसेल बैंक में केवल जमा राशि ही स्वीकार की जाएगी, केवल जमा राशि को ही स्वीकार की, केवल जमाएं होंगी, केवल जमा राशि ही स्वीकार की जाएगी, केवल जमा राशि ही, ठीक है, जमा राशि ही स्वीकार की जाएगी। ठीक है, इस क्या होगा, ये इसमें सेविंग अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कौन सा अकाउंट नहीं होगा आपके यहाँ पे, इसमें सेविंग अकाउंट नहीं होगा। होलसेल बैंकिंग में कौन सा अकाउंट नहीं होगा आपके यहाँ पे, सेविंग अकाउंट आपके यहाँ पे नहीं होगा, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, ये किसके बारे में बात है आपके यहाँ पे, होलसेल बैंकिंग के बारे में बात होगी। केवल जमा राशि क्या की जाएगी आपके यहाँ पे, स्वीकार करने का काम किया जाएगा, इसमें सेविंग अकाउंट आपके यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट नहीं होगा मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, क्या क्या रहेंगे, केवल करंट अकाउंट और कौन से रहेंगे आपके यहाँ पे, फिक्स डिपॉजिट ही काम करेंगे, ओनली करंट अकाउंट एंड कौन सा होगा आपके यहाँ पे, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, कौन से यहाँ पे, करंट अकाउंट और कौन सा जाएगा आपके यहाँ पे, और एफडी जिसको बोलते हैं निर्धारित फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, करंट अकाउंट और क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा, इन्यू क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, जमा करने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में आपके यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और निर्धारित की, इसके अंदर आप 1,000, 2,000, 500 रुपये जमा नहीं करवा सकते, इसमें न्यूनतम कितने रुपये जमा करवाने होंगे आपके यहाँ पे, न्यूनतम इसमें न्यूनतम 1,000,000 रुपये की राशि जमा करवानी है। ठीक है, इसमें इसमें न्यूनतम 1,000,000 रुपये की, इसमें न्यूनतम 1,000,000 रुपये की राशि, इसमें न्यूनतम 1,000,000 रुपए की राशि ही जमा की जाएगी। ठीक है, कितने की होगी आपके यहाँ पे, इसमें न्यूनतम 1,000,000 रुपए तक की राशि क्या की जाएगी आपके यहाँ पे, जमा करने काम किया जाएगा। ओनली करंट अकाउंट और कौन से होगा आपके, इसके अंदर आपके यहाँ पे फिक्स। ठीक है, आगे यहाँ तक पास में ये तो क्या होगी, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति उसके मन में क्या होगा, अजय उसको इच्छा हो गया चलो मैं भी होलसेल बैंकिंग क्या करता हूँ, इसको इस्टेब्लिश करता हूँ, ये भी करता हूँ, तो इसके लिए आधार पूंजी कितनी रखेगी आपके यहाँ पे, इसके लिए आधार पूंजी कितनी आ जाएगी, इसकी 1,000 करोड़ की आ जाएगी, इसकी आधार पूंजी आ जाएगी, इसकी आधार पूंजी
आधार पूंजी का मतलब क्या है? होलसेल बैंक को स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी, इसकी आधार पूंजी 1000 करोड़ रखी गई है। 1000 करोड़ क्या रखी गई है आपके यहाँ पे? इसकी आधार पूंजी रखी गई है, ठीक है। तो कितनी हो गई इसकी आधार पूंजी, कितनी आ गई आपके यहाँ पे? 1000 करोड़ क्या रखी गई आपके यहाँ पे? इसकी आधार पूंजी रखने का काम किया गया है। ये तो क्या हो गया, इसके अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थी जिसके बारे में अपन ने बात की। अब कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता देखिए, हमेशा बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, CRR व SLR लागू होंगी, ठीक है। क्या लागू होंगी आपके यहाँ पे? CRR व SLR आपके यहाँ पे CRR व SLR लागू होंगी, ठीक है। CRR व SLR क्या होंगी आपके यहाँ पे? लागू होंगी, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बैंकिंग का कैसा भी कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए, कोई भी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करे, वो आपको इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना आपके यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होंगे आपके यहाँ पे? CRR व SLR को लागू किए, CRR व SLR क्या होंगे आपके यहाँ पे? लागू होंगी, ठीक है। किसी प्रकार से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए बैंकिंग के अंदर, आपके यहाँ पे CRR व SLR तो आपकी लागू होंगी ही होंगी, किसी भी कंडीशन में आपके यहाँ पे रुकने वाली नहीं होंगी आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे तक बात समझ में। अब इसके अलावा कि वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पे होलसेल बैंकिंग की आपकी स्थापना की गई, कहाँ कहाँ पे कार्यरत आपके यहाँ पे होलसेल बैंकिंग, तो ध्यान रखना केवल दो ही स्थानों के आ जाएगा आपके यहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर ही क्या आपके यहाँ पे होलसेल बैंकिंग की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश में क्या करिए, काम कर रही है, तो कौन कौन से स्थान आ जाएंगे? पहला स्थान कौन सा जाएगा? कोस्टल बैंक, ठीक है। कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पे? तटीय बैंक या कोस्टल बैंक आ जाएगा आपके यहाँ पे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपके यहाँ पे। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके यहाँ पे? सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा। दूसरा कौन सा होगा इसके अंदर होलसेल बैंकिंग में? सुभद्रा, ठीक है। सुभद्रा बैंक आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। कोस्टल हो गया, तटीय बैंक हो गया आपके यहाँ पे, कोस्टल हो गया, सुभद्रा आपका हो गया आपके यहाँ पे। और कौन सा जाएगा? तीसरा कौन सा? कृष्णा, जो कृष्णा नदी कहाँ पे आंध्र प्रदेश में बहती है, तो कृष्णा आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तीसरा कौन सा आपके यहाँ पे? कृष्णा बैंक हो गया। यही तीनों बैंक कौन से आ गए आपके यहाँ पे? होलसेल बैंकिंग के अंदर क्या है आपके यहाँ पे वर्तमान समय में, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे, इसके बारे में अपन ने बात की, ये कौन सा आ गया आपके यहाँ पे? होलसेल बैंक आ गए यहाँ तक का, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया आज के सेशन में, अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा अपने यहाँ पे? होलसेल बैंकिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। होलसेल बैंकिंग होती क्या, किस प्रकार से आपके यहाँ पे काम करती है, ठीक है। यदि आपने ध्यान देखा हो, स्टार्टिंग में अपन ने बैंकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया था अपने यहाँ पे, कौन कौन से पार्ट थे आपके यहाँ पे? बैंकिंग की एक्टिव बैंक थे, और कौन से आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट थी, इनके बारे में अपने यहाँ पे डिवाइड किया था। फिर बैंक को अपने तीन पार्टों में डिवाइड किया था, पब्लिक बैंक में, प्राइवेट बैंक में, और कौन से? फॉरेन बैंक के अंदर किया था। तो पब्लिक बैंक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्राइवेट बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं, और फॉरेन बैंक के बारे में अपने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल बैंकिंग में आपके यहाँ पे पेमेंट बैंक के बारे में आ गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए आपके यहाँ पे, होलसेल बैंक वगैरह हो गए, इनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़े थे। तीसरा पार्ट क्या था? कोऑपरेटिव बैंक थे, तो उसके बारे में आपके एग्जाम के अंदर एक अलग से पूरा टॉपिक है, तो उसके अपन क्या करेंगे, इनके साथ डिस्कस न करके उसकी पूरी कोऑपरेटिव को ही पूरा अलग से डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी पूरी चीज़ एक साथ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या था अपने यहाँ पे? नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में बात की थी अपने यहाँ पे, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जितने भी क्या हो गए, जो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा क्या करता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो भी संस्थाएं जिनके द्वारा क्या होती है आपके यहाँ पे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है, ठीक है। अभी उनके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगला अपना टॉपिक आएगा NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में अपन बात करेंगे आपके यहाँ पे। NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। गैर बैंकिंग क्या जाएगा आपके यहाँ पे? वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। क्या जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा आपके यहाँ पे? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। कौन सी होगी आपके यहाँ पे? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट होगी, इसको भी क्या किया था आपके दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो क्या थी आपके यहाँ पे? ऑल इंडिया लेवल की फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें कितने पार्ट किए थे अपने यहाँ पे? AIFI ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। और दूसरी कौन सा था आपके यहाँ पे? NBFC के बारे में बात की थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थी जितनी भी आपकी, जो शारदा चिटफंड घोटाला आपने यहाँ पे, और जो आदर सोसाइटी,
आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला, जितने भी घोटालों के बारे में आपने सुना है ना, सुन रहे हो आप यहाँ पे। सोसाइटियाँ जो होती हैं, सोसाइटी किसका पार्ट होती है आपके यहाँ पे, एनबीएफसी का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो कौन सी होगी आपके यहाँ पे, एक कौन सा होगा आपके यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट, और दूसरी कौन सी होगी आपके यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट। अब ये जो ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट थी, इसको भी क्या किया था, अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया था। एक कौन सा बैंक था आपके यहाँ पे, एक्जिम था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक कौन सा आपके यहाँ पे नाबार्ड था, ठीक है, एक कौन सा आपके यहाँ पे सिडबी आ गया, ठीक है, एक्जिम हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है। इनके अंदर क्या किया था, इसको आपके यहाँ पे डिवाइड करनी, इस प्रकार के अनेक प्रकार की क्या की गई थी संस्थाएं जो बनाई गई थी, ठीक है। अब इन ये क्या आपकी प्रमुख जो संस्थाएं हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, देश के अंदर क्या कहाँ कहाँ से आयात निर्यात के बारे में बात करें अपने यहाँ पे, नाबार्ड के बारे में बात करें आपके यहाँ पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में आप, ठीक है, ठीक है। और एक कौन से जो आपके यहाँ पे सिडबी के बारे में बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अब अपने इसके बारे में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब अपन इसके बारे में क्या करें, वन बाय वन टॉपिक से क्या करते हैं अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आई, बोले साहब ये एनबीएफआई की शुरुआत कब होती है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है इनकी शुरुआत करने की कहानी कब शुरू होती है, ठीक है, इनकी प्रक्रिया कब शुरू की जाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट की। तो ध्यान रखिए, जब देश आज़ाद हुआ था और जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आ गई थी, तो उस समय लगा कि भारत के अंदर की क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए अपने पास में इस प्रकार की संस्थाएं नहीं है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकें, यहाँ पे डेवलपमेंट करने का काम कर सकें। तो सरकार ने क्या किया, इस प्रकार की संस्थाओं को यहाँ पे स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। इस करने में उन्होंने क्या क्या बनाया, सबसे पहले एक डीएफआई बनाया, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में इन्होंने क्या किया, सबसे प्रारंभ में इसको यहाँ पे इन्होंने गठित किया। तो आपसे पूछा जाए कि एनबीएफआई को पहले किस नाम से जाना जाता था, यदि आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि एनबीएफआई को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है कि एनबीएफआई को प्रारंभ में, ठीक है, किसके नाम से, डीएफआई के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, डीएफआई के नाम से, ठीक है। तो प्रारंभिक नाम क्या जाएगा आपके यहाँ पे, इसका डीएफआई जाएगा, प्रारंभिक नाम हो गया। डीएफआई का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, वित्तीय विकास संस्थाएं, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, वित्तीय विकास संस्थाएं। डीएफआई का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, वित्तीय विकास संस्थाएं, वित्तीय विकास संस्थाएं, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में बात आ गई, तो वित्तीय विकास संस्थाओं के नाम से क्या क्या था, इसको प्रारंभ में क्या किया था, यहाँ पे गठित करने का काम किया था, ठीक है। आगे बात, अभी जो डीएफआई बनाई गई थी, इस डीएफआई का काम क्या था उस समय, इस डीएफआई का काम केवल इतना सा था, इनके द्वारा क्या होता था आपके यहाँ पे ऋण और या और अन्य प्रकार की जो सहायताएं थी, ठीक है, उन सहायताओं को उपलब्ध करवाना क्या था आपके यहाँ पे, इन डीएफआई का कार्य था। बात की जाए इनके कार्य की, तो कार्य क्या था आपका, इनके पास में ऋण और विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायताएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऋण व विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ऋण व विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता ठीक है, ऋण व विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना क्या था इनका यहाँ पे उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। तो वित्तीय विकास संस्था का कार्य हो गया आपके यहाँ पे, कार्य में क्या गया आपके यहाँ पे, ऋण व विभिन्न प्रकार की जो भी वित्तीय सहायताएं थी उनको यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए क्या गया था, ये कार्य करना था इनको, ठीक है, उपलब्ध करवाना इनका यहाँ पे उद्देश्य कार्य इनका रखा गया था, ठीक है। आगे बात समझे, अभी आप एक बात आपके सामने, ऋण किसको देंगे आपके यहाँ पे, सहायता किसको देंगे, तो ध्यान रखना ये जो संस्थाएं होती हैं, इस प्रकार की जो एनबीएफआई जो संस्थाएं होती हैं आपके यहाँ पे, इन संस्थाओं के द्वारा कभी भी जनता के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन का काम नहीं किया जाता है। आगे बात समझ में, इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, ध्यान रखना इस पॉइंट के बारे में आप विशेष रूप से, ठीक है, इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा ठीक है, इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा जनता के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन का काम नहीं किया जाता, लेन देन का कार्य नहीं किया जाता, लेन देन का कार्य नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, एनबीएफआई जो स्टेब्लिश की गई थी, इनका काम हो गया।
तो ध्यान रखना, कभी भी ये जनता के लिए नहीं, क्या नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मतलब किसी भी माध्यम से क्या नहीं करेंगी, आपको मेरे को किसी व्यक्ति को क्या नहीं करेंगे, धन उपलब्ध नहीं करवाएंगी। ये धन उपलब्ध करवाएंगी तो किसको करवाएंगी, आपके यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को ही क्या करवाएंगी, आपके यहाँ पे धन उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गया, जिसके बारे में बात की, प्रारंभ में किस नाम, स्टार्टिंग में किस नाम से थी, आपके यहाँ पे DFI के नाम से थी, वर्तमान में किस नाम से, इसके बारे में बात की अपने यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी सारी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपने बात की, किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है, क्या इसके बारे में है, जो पूरा अपन इसके बारे में अब तक डिस्कस किया। अब आगे अपन चलते हैं इसके बारे में वन बाय वन करते हैं, इसके हर एक टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा इसके कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, देखिए तो फिर क्या होता है कि NBFI की जब स्थापना कर दी तो 1964 के अंदर क्या होता है, 1964 में, ठीक है, RBI की सहायक संस्था के रूप में IDBI की स्थापना की जाती है। RBI की सहायक संस्था के रूप में IDBI, देखिए मैं दोनों कलर आपके ले रखे हैं आपसे, जिससे आपको समझ में आ जाए, IDBI की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम के अंदर बहुत सी बार, तो जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट था उसमें पूछा गया है कि IDBI की स्थापना कब होती है, तो आपको बताना 1964 में होती है। पर्पज क्या होता है, ये आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, औद्योगिक विकास करने के लिए, तो IDBI का फुल फॉर्म क्या हो गया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, IDBI का फुल फॉर्म क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, IDBI का फुल फॉर्म भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, IDBI फुल फॉर्म क्या हो गया आपके यहाँ पे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आ गई, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये उद्योगों का विकास करने के लिए क्या होती है, 1964 में क्या की जाती है आपके यहाँ पे, IDBI की स्थापना करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपके यहाँ पे, ICICI की स्थापना करने का काम किया जाता है, जो आज की डेट में बैंक बना हुआ है ICICI, उसकी भी क्या की जाती है आपके यहाँ पे, स्थापना करने के, ठीक है, काम किया जाता है। ठीक है, तो ICICI, ठीक है, ICICI का, ठीक है, ICICI, ये ऐसा टिपिकल नाम आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना आपके यहाँ पे ICICI। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, क्या जगह आपके यहाँ पे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना करने काम कब किया जाता है आपके यहाँ पे, ICICI की स्थापना कब होती है आपकी, 1955 में क्या की जाती है आपके यहाँ पे, इसकी स्थापना करने काम किया जाता है। तो ICICI की स्थापना कब हो जाती है आपके यहाँ पे, 1955 में क्या होती है आपके यहाँ पे, इसकी स्थापना करने काम कर दिया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, अच्छा यार ये बैंक नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1955 में आपके यहाँ पे ICICI की स्थापना करने का आपके यहाँ पे काम किया जाता है आपके यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो संस्थाएं होती हैं जो प्रारंभ में क्या होती है आपके यहाँ पे, स्टार्टिंग में आपकी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, कार्य करती है, इनकी यहाँ पे स्थापना करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है, आगे बात समझे। अभी जो ICICI जो बनाया गया था तो 1954 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, अभी इसी ICICI को क्या करते हैं आपके यहाँ पे 1994 के अंदर इसको एक कमर्शियल बैंक के रूप में क्या कर दिया जाता है आपके यहाँ पे, दर्जा देने का काम कर दिया जाता है, ठीक है। इसी फिर क्या होता है आपके यहाँ पे, इसी ICICI को 1994 में वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दे दिया जाता है आपके यहाँ पे, इसको वाणिज्यिक बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का स्टेटस दे दिया जाता है, इसको वाणिज्यिक बैंक का
दर्जा दे दिया जाता है, दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। तो 1994 में क्या हो जाता है आपके यहाँ पे, इसको वाणिज्यिक बैंक को क्या जगह आपके यहाँ पे आईसीआईसीआई को वाणिज्यिक बैंक का दर्जा देने का काम कर दिया जाता है। ये घटना कब होती है आपके यहाँ पे, 1994 में होती है, ठीक है। इसको क्या मिल गया आपके यहाँ पे, वाणिज्यिक बैंक का दर्जा आपके यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, ये जो आपका 1964 में जो आईडीबीआई को स्थापना करने का काम किया गया था, इसी आईडीबीआई क्या करते हैं आपके 2004 में भी क्या कर दिया जाता है, इसको आपके यहाँ पे इसको भी वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। इसको भी क्या कर दिया आपके यहाँ पे 2004 में वाणिज्यिक बैंक का दर्जा देने का काम कर दिया गया, इसको भी आपके यहाँ पे, ठीक है। 2004 में वाणिज्यिक बैंक का इसको भी दर्जा दे दिया गया, वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दिया गया, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक का क्या कर दिया गया था, उसको आपको यहाँ पे 2004 में इसको भी यहाँ पे इसका दर्जा देने का काम कर दिया गया था, ठीक है। जिस प्रकार से क्या होगा आपके यहाँ पे, इनकी स्थापना करने का काम कर दिया जाता है। और आईडीबीआई को क्या होगा आपके यहाँ पे, जनवरी 31 जनवरी 2019 में, 2019 को इसको एलआईसी के साथ में क्या कर दिया जाता है, आईडीबीआई को इसके साथ में मर्ज कर दिया जाता है। या फिर यूँ मान लीजिए कि 2019 में आईडीबीआई को एलआईसी को आपके यहाँ पे बेच दिया जाता है, या एलआईसी क्या कर लेती है आपके यहाँ पे आईडीबीआई का आपके यहाँ पे अधिग्रहण करने का काम कर लेती है, ठीक है। ये घटना कब होती है आपके यहाँ पे, ठीक है, 2019 में क्या होती है ये घटना आपके यहाँ पे घटित हो जाती है आपकी, ठीक है। आ गया तक की बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में, और जो है इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से बैंक के बारे में, इसके आपके यहाँ पे एक्जिम बैंक के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे आती है आपके यहाँ पे ऑल इंडिया जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट थी उसमें पहला आता पार्ट आपके यहाँ पे एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहला बैंक कौन सा था आपके यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट में, ए आई एफ आई में, ठीक है। ए आई एफ आई में सबसे पहला बैंक कौन सा था आपका यहाँ पे, ये आता आपका एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आयात निर्यात बैंक, क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ पे आयात निर्यात बैंक, आयात निर्यात बैंक होगा आपके यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ पे आयात निर्यात बैंक बोला जाता है आपके यहाँ पे। स्थापना कब की जाती है आपके यहाँ पे इसकी, 1982 में की जाती है स्थापना, 1 जनवरी 1982 की जाती है। मुख्यालय कहाँ गया इसका, मुख्यालय कहाँ गया, मुंबई में क्या होता है इसका मुख्यालय होता है, मुख्यालय कहाँ होगा इसका, मुंबई में क्या किया जाता है इसके यहाँ पे मुख्यालय को स्थापित करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपके यहाँ पे 100% भारत सरकार की संस्था, ये 100% क्या है भारत सरकार की संस्था है, 100% भारत सरकार की संस्था है, ठीक है। क्या गया आपके यहाँ पे ये 100% क्या हो गया आपके यहाँ पे भारत सरकार की संस्था हो गई आपके यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करती है आपके यहाँ पे एक्सपोर्टर जो इंपोर्टर होते हैं उनको यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाने के लिए काम करती है। इसका काम क्या होगा, ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य होता है, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए क्या कहता है कार्य करती है, ठीक है। किसके आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट और जो इंपोर्टर होते हैं उनको यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाने का इसके द्वारा आपका कार्य किया जाता है आपका, ठीक है। तो आगे यहाँ तक बात समझ, ये कौन सा होगा आपके यहाँ पे एक्जिम बैंक होगा। अगला बैंक कौन सा था आपके यहाँ पे नाबार्ड बैंक होता है। सेकंड कौन सा आएगा आपके यहाँ पे नाबार्ड, ठीक है। क्या जाएगा आपका राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी, के सीवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पे, कौन सी, के सीवरमन कमेटी, ध्यान रखना कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे।
के शिवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, कमेटी की सिफारिश के आधार पर ठीक है। कौन सी में आपके यहाँ पे, छठी पंचवर्षीय योजना में, सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में, कौन सी योजना में, सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में कब होती है आपके यहाँ पे इसकी स्थापना, अप्रैल 1982 में क्या की जाती है आपके यहाँ पे इसकी स्थापना करने का काम किया जाता आप, ठीक है ठीक है। तो क्या होता है आपके यहाँ पे 1981 के अंदर क्या होता है, 1981 में नाबार्ड रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है, ठीक है नाबार्ड रेगुलेशन ठीक है एक्ट लाया जाता है कब, 1981 में नाबार्ड रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है ठीक है। और इसी के माध्यम से 12 जुलाई 1982 को क्या होता है आपके में, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की जाती है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है ठीक है। कब होगी और मुख्यालय कहाँ गया इसका, मुख्यालय कहाँ गया मुंबई में, क्या हो गया इसका मुख्यालय आ गया आपके यहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ गया इसका, मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है मुंबई के अंदर, क्या गया आपके यहाँ पे इसका मुख्यालय स्थापित करने का काम किया गया है ठीक है। आ गया तक बात समझ में ठीक है, मुंबई में क्या होगा आपके यहाँ पे मुख्यालय होगा। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा, कृषि और ग्रामीण विकास में बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना करने का काम किया गया है, इसका उद्देश्य क्या क्या होगा आपके यहाँ पे, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, के लिए ऋण उपलब्ध करवाना ठीक है ठीक है। इसमें क्या होती है, जनता की जमा स्वीकार नहीं की जाती, इसमें जनता की जमाएं स्वीकार नहीं की जाती मतलब कि आम जनता के लिए बैंक नहीं है, जनता की जमाएं स्वीकार नहीं की जाती ठीक है। क्या हो गया आपके यहाँ पे इसके अंदर, जनता की जो जमाई होती है उसको स्वीकार करने का काम नहीं किया जाता है, उद्देश्य हो गया इसके, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, इसमें जनता की जमाई क्या होती है आपके यहाँ पे स्वीकार करने का काम आपके यहाँ पे नहीं किया जाता आपका ठीक है। यहाँ तक किसके बारे में बात हो गई आपके यहाँ पे ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया था आपके यहाँ पे, इसके नाबार्ड के अंदर क्या किया था, इसको पहले किसके पास में था आपके यहाँ पे, ये 100% भारत सरकार की, यह 100% भारत सरकार के अंडरटेकिंग में है, यह 100% भारत सरकार के, यह 100% भारत सरकार की संस्था है ठीक है। और ये ऋण की सहकारी समितियों क्या करती है, धन उपलब्ध कराने के लिए काम करती है, सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है ठीक है। करवाने के लिए भी क्या करती है आपके यहाँ पे, कार्य करती है ठीक है। सहकारी समितियों क्या होगा आपके यहाँ, इसका काम क्या होगा, इनको ऋण उपलब्ध करवाना भी क्या होगा इसका मुख्य कार्य होता है, वो भी काम क्या किया जाता है इसके द्वारा आपके यहाँ पे किया जाता है आपके यहाँ पे ठीक है हो गया। अब इसकी क्या की है, नाबार्ड की आपके यहाँ पे इसकी सहायक संस्था भी स्थापित की गई है, तो नाबार्ड की दो सहायक संस्थाएं आपके यहाँ पे, नाबार्ड की कितनी हो गई आपके यहाँ पे, नाबार्ड की दो सहायक संस्थाएं स्थापित की गई आपके यहाँ पे नाबार्ड की दो सहायक संस्थाएं हैं
ठीक है। NABARD कितनी होगी आपके यहाँ पे, इसकी दो सहायक संस्था क्या क्या इसकी स्थापित करने का काम किए गए हैं, एक कौन सी होगी आपके यहाँ पे ABFL और दूसरी कौन सी होगी आपके यहाँ पे बर्ड होगी, दो में कौन सी आएगी, नंबर एक कौन सी आएगी आपके यहाँ पे ABFL और दूसरी कौन सी आएगी आपके यहाँ पे BIRDI, ठीक है। ABFL किसके लिए धन उपलब्ध करवाएगी आपके यहाँ पे, एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस होते हैं उनके लिए करवाएगी आपके यहाँ पे, एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए, कृषि के लिए। ABFL किसके लिए काम करेगी आपके यहाँ पे, इसके द्वारा कृषि के लिए क्या किया जाएगा आपका काम किया जाएगा, और ये किसके लिए करवाई जाएगी आपके यहाँ पे, ग्रामीण विकास के लिए। ये काम किसके लिए करेगी आपके यहाँ पे, ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। ये दो संस्थाएं होती हैं, एक दोनों संस्था में अलग अलग काम कर देगा आपके यहाँ पे, एक किसके लिए काम करेगी कृषि के लिए और दूसरी किसके लिए करेगी आपके यहाँ पे, ग्रामीण विकास के लिए क्या किया जाएगा, इसके द्वारा आपके यहाँ पे कार्य किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में, अवित्य कार्य हो गए इसके विकासात्मक कार्य हो गए, और विनियामक कार्य क्या किया जाएगा, इसके द्वारा आपके यहाँ पे काम करने काम किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर, तो ये किसके बारे में बात की अपने यहाँ पे, NABARD के बारे में बात की, NABARD के बारे में डिस्कस किया अपने यहाँ पे, NABARD क्या है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं NABARD के माध्यम से, उन सभी के लिए अपने यहाँ पे काम किया, ठीक है। एक आपका था कौन सा था, दो छोटे छोटे बैंक और बच गए आपके यहाँ पे, वो केबली में बोल देता हूँ, एक होता आपका SIDBI, दूसरा कौन सा होता आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। एक कौन सा बैंक आगे आपके यहाँ पे, SIDBI के बारे में बात कर देते हैं, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक इंडिया, लघु व कुटीर उद्योगों के लिए, लघु व ठीक है कुटीर उद्योगों के लिए, किसके लिए काम करता है आपके यहाँ पे, ये लघु व कुटीर उद्योगों के लिए क्या करता है आपके यहाँ पे, SIDBI के द्वारा काम किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1990 में लखनऊ में की जाती है इसकी स्थापना, स्थापना कब, 1990 में, और कहाँ पे की जाती है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ में है, 1990, और कहाँ पे, लखनऊ के अंदर क्या की जाती है आपके यहाँ पे, इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है, और ये लघु व कुटीर उद्योगों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। SIDBI हो गया, एक कौन सा आ गया आपके यहाँ पे, NHB आ गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, एक कौन सा बैंक आ गया आपके यहाँ पे, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक नाम से प्रतीत हो रहा है इसका आपके यहाँ पे, क्या करेगा आपके यहाँ पे, घर बनाने के लिए क्या करेगा, लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, जितने भी जो घर वर होते हैं जो उनको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसके द्वारा आपके यहाँ पे लोन उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। और ये नेशनल हाउसिंग बैंक में 100% जो हिस्सेदारी है आपके यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके यहाँ पे, 100% जो हिस्सेदारी है किसके पास में आपके यहाँ पे, इसकी RBI के पास में हिस्सेदारी, आरबीआई के पास है। और कब स्थापित किया था, 1988 में, कहाँ पे किया गया था आपके यहाँ पे, दिल्ली में क्या किया था, इसकी स्थापना करने का काम किया गया था, ठीक है। कहाँ पे की थी आपके यहाँ पे स्थापना, 1988 में, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। स्थापना कहाँ पे होगी इसकी, 1988 में दिल्ली में क्या की जाती है आपके यहाँ पे, इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। और नेशनल हाउसिंग के बैंक के द्वारा क्या किया, इसका एक इंडेक्स भी जारी किया था, इंडेक्स कौन सा था आपके यहाँ पे, रेजिडेक्स इंडेक्स, इसके द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, कौन सा इंडेक्स जारी किया था इसके द्वारा आपके यहाँ पे, रेजिडेक्स इंडेक्स इसके द्वारा आपके यहाँ पे जारी करने का काम किया गया था। तो कौन सा इंडेक्स होगा आपके यहाँ पे, रेजिडेक्स इंडेक्स को इसके द्वारा आपके यहाँ पे जारी करने का काम किया गया था, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे, कम्प्लीटली होगा। NHB का काम क्या होगा, हाउसिंग सेक्टर के अंदर क्या करना है, इसको ऋण उपलब्ध करवाने क्या होगा, इसका मुख्य काम हो गया हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग का नाम आ गया मतलब कि हाउसिंग सेक्टर में ऋण उपलब्ध करवाना, हाउसिंग सेक्टर में, सेक्टर में ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, जो छोटे मोटे जितने जो बैंक थे उनके सभी के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। आपका कोई भी ऐसा बैंकों के बारे में ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं रहा जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए, आपको नहीं आएगा, हर एक जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, हर एक जो छोटा छोटा इसका डाउट था वो आपका मैंने पूरा क्लियर किया है। यदि फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगे, कहीं भी कोई समस्या लगे किसी प्रकार लिखावट में और कोई और अन्य प्रकार के आपको, तो उसके बारे में बता सकते हो, जो भी डाउट है जैसा भी डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, RBI के बारे में बात करेंगे, RBI क्या है, कब स्थापना की गई, किस प्रकार से फंक्शन करता है, उन सभी पॉइंटों के बारे में क्या करेंगे इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली अपनी जो क्लास होगी उसमें आपका यहाँ पे इसके बारे में, RBI के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है अभिव्यक्ति क्लासेज के अंदर, ठीक है। अगले सेशन में अपन फिर मिलते हैं, तब तक।